नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रंट ईयर IAS कोचिंग में। मैं सिमरन और आज हम बात करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज आपको बताएंगे 27 जनवरी यानी कल हुए हरियाणा की सभी घटनाएं, स्कीम्स और जो कुछ भी हरियाणा में हुआ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, आज उसी का जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के वाले सांसद के पूर्व सदस्य त्रिलोचन सिंह का नाम किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? हमारे पास यहाँ पर सवाल है, त्रिलोचन सिंह, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग हरियाणा, हैज बीन नेम्ड फॉर विच अवार्ड। तो सवाल हमारा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरियाणा से, हरियाणा के पूर्व सांसद त्रिलोचन सिंह जी, ठीक है, हाल ही में इन्हें एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और वीरता पुरस्कार। तो बताइए इन्हें किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? इन्हें नॉमिनेट किया गया है पद्म भूषण के लिए। ऑप्शन ए पद्म भूषण इज द राइट आंसर। ये देख लीजिए त्रिलोचन सिंह की फोटोग्राफ, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कौन है। ये पूर्व सांसद थे, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं ये हरियाणा से, ठीक है। और इसके अलावा इनके बारे में ये जान लीजिए कि सिख धर्म का इन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया, इसलिए भी इन्हें जाना जाता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री अवार्ड 2021 देने की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो सवाल है हमारे पास, वीरेंद्र सिंह, ये एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, हैज बीन नेम्ड फॉर पद्मश्री अवार्ड 2021, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो आपको नाम बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो तीन चीजों का ध्यान रखिए। यहाँ पर ये एक नाम है वीरेंद्र सिंह, ठीक है, अवार्ड कौन सा है, पद्मश्री 2021, और अब इनका फील्ड कौन सा है, यहाँ पे किसी फील्ड से जुड़े होंगे, किसी खेल से जुड़े होंगे, जिस भी चीज़ में इनकी रुचि होगी, जिसके लिए जाने जाते हैं। तो अब हमारे पास जो है वीरेंद्र सिंह का यहाँ पर नाम है, पद्मश्री के लिए जो है इन्हें नॉमिनेट किया गया है। अब ये कौन से खेल से हैं, हमसे ये सवाल कर रहे हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी और शूटिंग। तो इनमें से किस खेल से हैं ये? ये हैं रेसलिंग से। ऑप्शन ए रेसलिंग यानी कुश्ती जो है वो सही जवाब है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी की ये फोटोग्राफ देख लीजिए। अब इनके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डेफ एंड म्यूट रेसलर हैं। डेफ एंड म्यूट का मतलब है कि बहरे और मूक पहलवानों में से एक निपुण पहलवान है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरल पोर्टल पर सेवाएं प्रदान करने में कौन सा जिला राज्य भर में नंबर एक पर है? विच डिस्ट्रिक्ट इज नंबर वन अक्रॉस द स्टेट इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन सरल पोर्टल? तो सरल पोर्टल क्या है? एक सरल सी बात है ये। सरल पोर्टल जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है, जहाँ पर आप हरियाणा सरकार की सारी स्कीम्स देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी, सिर्फ अलग अलग विभागों के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी आप सरल पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल ये है कि सरल पोर्टल पर सेवाएं प्रदान करने में कौन सा जिला राज्य भर में नंबर एक पर है? तो नंबर एक जो है यहाँ पर हमारा फोकस है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी और अम्बाला। तो इनमें से सही जवाब कौन सा है? नंबर एक पर है रेवाड़ी। ध्यान रखना है हरियाणा का रेवाड़ी जो है वो नंबर एक पर है। किसमें? सरल पोर्टल का इस्तेमाल करने में और सरल पोर्टल पर सेवाएं प्रदान करने में, ठीक है। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, नेहा पिलानिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पोलैंड में क्वालिफाई कर लिया है, वह किस जिले से है? नेहा पिलानिया हैज क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पोलैंड, शी इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो जैसा मैंने पहले बताया था, ये देखिए ये एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, ठीक है। इन्होंने किसके लिए क्वालिफाई किया है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पोलैंड के लिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से ज़िले से हैं, तो नेचुरली हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के ज़िले जो हैं वो ऑप्शंस में हैं। तो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, हिसार, झज्जर, भिवानी और रोहतक। तो बताइए ये हरियाणा के कौन से ज़िले से हैं? ये हैं हरियाणा के झज्जर से। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। नेहा पिलानिया कौन है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पोलैंड के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो कौन है ये? बॉक्सर है, ठीक है। ये किस जिले से हैं? ये हरियाणा के झज्जर से हैं। ये नेहा पिलानिया की फोटोग्राफ देख लीजिए। ये भी ध्यान में रखिए कि इन्होंने चार इंटरनेशनल मेडल भी जीते हैं, ठीक है। और फिलहाल इन्होंने विश्व
मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है पोलैंड में उसके लिए क्वालिफाई किया है, इसलिए हम इनका जिक्र कर रहे हैं। और ये झज्जर से हैं, तो आपको बता देते हैं कि ये झज्जर के खानपुर कुर्द गांव से हैं। झज्जर में गांव है खानपुर कुर्द और ये वहां से हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना से एकमात्र महिला प्रतिभागी कैप्टन प्रीति चौधरी ने अपग्रेडेड चिल्का एंटी एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम की कमान संभाली, वह हरियाणा के किस जिले से हैं? तो एक बड़ा सवाल है, आपको आसानी से समझाती हूँ। कैप्टन प्रीति चौधरी, ठीक है, इनका नाम है कैप्टन प्रीति चौधरी। कौन है ये? इंडियन आर्मी से हैं। पर इनका जिक्र क्यों हुआ है? क्योंकि ये इकलौती महिला पार्टिसिपेंट हैं। रिपब्लिक डे परेड में इस साल इन्होंने भाग लिया, इकलौती महिला पार्टिसिपेंट थी रिपब्लिक डे परेड में जो शामिल हुई है इंडियन आर्मी से। ठीक है, और इन्होंने शिल्का वेपन सिस्टम, शिल्का वेपन सिस्टम क्या है? एक एंटी एयरक्राफ्ट हथियार है, उसकी कमान संभाली है। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहे हैं कि ये हरियाणा के किस जिले से हैं? बहुत गौरव की बात है कि ये हरियाणा से हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए ये हरियाणा में कहाँ से हैं? रोहतक, यमुनानगर, फरीदाबाद या पानीपत? कहाँ से हैं ये? हैं पानीपत से। ऑप्शन डी पानीपत जो है वो सही जवाब है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में भी पूछ सकते थे आपसे कि हरियाणा से एक महिला है, फीमेल पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में शिल्का वेपन सिस्टम की कमान संभाली है। ठीक है, तो इनका नाम बताइए। तो तब आपको क्या ध्यान देना है? कैप्टन प्रीति चौधरी जो है वो इनका नाम है, और इनकी फोटोग्राफ देख लीजिए, ये कैप्टन प्रीति चौधरी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। श्री जय भगवान गोयल जी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर पद्मश्री अवार्ड, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ठीक है, नाम हमारे पास क्या है? श्री जय भगवान गोयल जी। किस अवार्ड के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया है? पद्मश्री के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि ये कौन सी फील्ड से हैं? या फिर फील्ड का नाम दे देते और हमसे पूछते कि इनका नाम बताइए, या फिर ये पूछ सकते थे कि ये इस फील्ड से जुड़े हैं और इसे किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है। अब हमसे सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि श्री जय भगवान गोयल जी जो हैं वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हिंदी साहित्य, संगीत, विज्ञान या पत्रकारिता। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? ये हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में इतिहास की दिशा में इन्होंने अच्छा काम किया है, उसे एक नई दिशा प्रदान की है। किसे? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में इतिहास में इन्होंने अच्छा काम किया है। और जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा। ठीक है, अब अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 26 जनवरी से राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय तंबाकू मुक्त होंगे? तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस दैट द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विल बी टबैको फ्री फ्रॉम 26 जनवरी? तो किन्होंने ये अनाउंसमेंट की है? ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि किस चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की है, क्योंकि उसी के बाद आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट की है मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और इसका जवाब जो है वो हरियाणा है, सी जो है वो सही आंसर है। मनोहर लाल खट्टर जी ने ये घोषणा की है 26 जनवरी को कि स्कूल की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 26 जनवरी से टबैको फ्री रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गणतंत्र दिवस 2021 पर जींद जिले के किस सीआरपीएफ जवान ने वीरता पुरस्कार जीता है? विच सी आर पी एफ पर्सनल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के किस पर्सनल ने जो जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं गैलेंट्री अवार्ड जीता है रिपब्लिक डे 2021 पर? ठीक है, ये सवाल है हमारे सामने। तो अब हमारे पास इसके चार ऑप्शन हैं, सोनू अलावत, मनीष सांगवान, मनोज जांगड़ा और संजय ढांडा। तो सही जवाब क्या है? सोनू अलावत जो है वो सही जवाब है। इन्होंने अपनी ब्रेवरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड जो है वो जीता है। तो अब आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये सोनू अलावत जी हैं। ठीक है, इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड जीता है रिपब्लिक डे 2021 पर। क्यों जीता है? क्योंकि इन्होंने जब टेररिस्ट के साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी तो 58 टेररिस्ट को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। इनकी ड्यूटी कहाँ लगी है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं वहाँ पर। और आपने याद रखना है इनके बारे में, इनकी फोटोग्राफ देख लीजिए, ये सोनू अलावत जी हैं। ये कहाँ से हैं? जींद जिले से, ये भी याद रखिएगा। सीआरपीएफ
सीआरपीएफ जवान है और इन्हें वीरता पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब अपना अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है? हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स ऑफ हरियाणा पुलिस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्यूश सर्विस? तो अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं फिर से, ठीक है, पर हमारा सवाल क्या है ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा पुलिस में कितने पुलिस ऑफिसर्स को हरियाणा पुलिस में कितने पुलिस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया है, किस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया है? प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए, और क्यों किया गया है? प्रतिष्ठित सेवा के लिए, डिस्टिंग्यूश सर्विस के लिए। तो कितने पुलिस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया है इसके लिए? दो पुलिस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया है। टू इज द राइट आंसर। तो आपको दिखा देते हैं ये दो कौन से हैं। ये देखिए, इनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरफ जो हैं ये नवदीप सिंह जी हैं, ठीक है, और ये जो दूसरी तरफ हैं ये हैं संदीप जी, संदीप खेरवाड़ जी इनका नाम है, और ये हैं नवदीप सिंह जी। तो इन दो पुलिस ऑफिसर्स को हरियाणा पुलिस में से सिलेक्ट किया गया है, किस चीज़ के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया है? ये हमारा सवाल देखिए, किस चीज़ के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया है? प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए, ठीक है, और क्यों किया गया है? इनकी प्रतिष्ठित सेवा के लिए किया गया है। चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। हरियाणा से चुने गए राष्ट्रीय कैडेट कॉर एनसीसी की नौसेना विंग का एकमात्र कैडेट कौन है? तो ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि ये भी हरियाणा से हैं, ठीक है। सो हु इज द ओनली कैडेट ऑफ नेवी विंग ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प सिलेक्टेड फ्रॉम हरियाणा? सवाल हमसे क्या पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स में एनसीसी में हरियाणा से एक कैडेट को सिलेक्ट किया गया है, किस विंग में? नेवी विंग में, नौसेना में। तो आपसे इनका नाम पूछ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, तो बताइए कौन सा सही जवाब है। दिलीप द्विवेदी, बलजीत सहारन, तुषार दलाल या नवीन सांगवान? तो सही जवाब क्या है? तुषार दलाल, ठीक है। साथ ही इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है इस बार 26 जनवरी की जो परेड हुई है उसमें शामिल होने का। तो आपने ध्यान रखना है कि हरियाणा से वो कौन सा नाम है जो नेवी विंग में सिलेक्ट हुआ है एनसीसी में, तो वो एक नाम है तुषार दलाल। 27 जनवरी से यही करंट अफेयर्स है हरियाणा के लिए, और आपसे फिर से मिलेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।